हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही धासु चीज़ दिखाने, जिसको मैं अभी राइड ही कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैं अभी एक मोटर बोट चला रहा हूँ एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिक बोट। और इलेक्ट्रिक बोट भी है तो दिस इज़ ए सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट। ऐसा कोई नॉर्मल बोट नहीं चलाता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं सोलर पावर्ड बोट अभी चला रहा हूँ और मतलब इतना सही लग रहा है सोलर बोट चला के कि भाई ऐसी भी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो एक पब्लिक पार्क है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ एंड इट्स अ पब्लिक लेक इन अल बादशाह दुबई। एंड यहाँ पे मुझे दिखा कि ये लोग इलेक्ट्रिक बोट ऑफर कर रहे हैं विच इज़ ऑलरेडी सोलर पावर्ड, जिसकी लेंथ है अराउंड 4 मीटर बाय 1 मीटर इसकी विथ है। जो ड्राफ्ट ये प्रोवाइड करती है मींस द ड्रिफ्टिंग ड्राफ्ट इज़ अराउंड 0.3 मीटर। और जो इसका रेटेड लोड ये लेके चल सकती है इज़ अराउंड 400 kgs। तो इसको चला के तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इसका स्टेयरिंग दे रखा है इसको लेफ्ट राइट करने के लिए। देन आई हैव अ रेगुलेटर जिसकी मदद से मैं इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकता हूँ इस रेगुलेटर की मदद से। तो जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है उस कंपनी का नाम है द मॉडर्न यार्ड कंपनी। इट बिल्ड्स यार्ड्स ओनली, मतलब प्रोफेशनल लग्जरी यार्ड बनाती है, बट दे हैव कपल्ड दिस यार्ड टेक्नोलॉजी विद द सोलर वन। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो मतलब इनके यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोवाइडर थे उससे मैंने बात किया कि भाई ये कैसे चल रहा है, तो दे टोल्ड मी कि इसके ऊपर 250 वॉट का एक पैनल लगा हुआ है। और मोटर की स्पेसिफिकेशन तो वो नहीं बता पाए, बट दे टोल्ड मी दैट इट इज़ अ ब्रशलेस डीसी मोटर और साथ में एक बैटरी लगा हुआ है जो सोलर से चार्ज हो रहा है। और वही बैटरी इसके चार्ज कंट्रोलर के थ्रू, मतलब VFD कंट्रोल है, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जिससे वो ब्रशलेस डीसी मोटर को कंट्रोल कर रहा है। तो काफ़ी मतलब सही लग रहा है इसको चला के, तो मुझे तो काफ़ी सही लगा इसे चला के। मैंने सोचा कि भाई ये सर्विस ऑप्ट करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि सोलर बोट में सफ़र करने में कैसा मज़ा आता है। तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा तरीका है। मतलब गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन कर रखी है थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दुबई। तो ये सर्विस मैंने ऑप्ट की ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कितने अच्छे तरीके से सोलर टेक्नोलॉजी को कपल करके आप इतनी अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ और है जो कि ये मोटर राइड ख़त्म होने के बाद मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पब्लिक डिसिप्लिन। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो और इस मोटर राइड के बाद। फिलहाल तो मैं अभी इसको इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं इन्जॉय कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आज इस वीडियो में भी मेरे पास एक बहुत ही धासु चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंड इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक डिसिप्लिन। तो आप देखेंगे कि यहाँ दुबई में मोस्टली जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी मतलब स्टाइलिश और डायनेमिक कार्स रहती हैं, तो उनके लिए पार्किंग सिस्टम जो यहाँ पे लगा रखा है, मतलब जो टिकटिंग का सिस्टम होता है, इट इज़ टोटली ऑटोमेटेड एंड इट इज़ सोलर पावर्ड। हाँ, सोलर पावर्ड। तो गाइज़ मैं अभी आ गया हूँ एक टिपिकल पार्किंग मशीन के पास। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी एक इन्होंने सोलर पैनल यहाँ पे ऊपर माउंट कर रखा है और मतलब ये भी मशीन यहाँ पे एकदम सोलर पावर्ड है। तो देर इज़ नो यू नो एक्सटर्नल पावर प्रोवाइडेड टू दिस मशीन आउट हियर। और इस मशीन में यूजुअली आज फ्राइडे है तो आप देख सकते हो कि पार्किंग लॉट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, बिकॉज फ्राइडे को मोस्टली जो यहाँ पे पार्किंग मशीन जितनी भी रहती है पार्किंग इज़ फ्री थ्रू आउट द फ्राइडे इन दुबई इटसेल्फ। तो इसमें पार्किंग का जो चार्जेस लोग पे करते हैं, मैं उसका मैकेनिज़म मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैकेनिज़म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन पे द पार्किंग यूजिंग द कॉइन्स एज़ पर द अलॉटेड टाइम्स। इसमें टाइम जो आप देख पा रहे होंगे कि 1 आवर का 2 दिरहम देना है, 2 आवर्स का 4 दिरहम देना है, अकॉर्डिंगली आप इसमें पे कर सकते हो। तो मोड ऑफ पेमेंट कैन बी कॉइन्स ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो पे द पेमेंट यूजिंग द नोल कार्ड। और जैसे ही आप पे कर देते हो तो पे करने के बाद आपकी जो रिसिप्ट रहती है यहाँ से जनरेट होकर निकल आती है एंड यू कैन प्लेस द पार्किंग रिसिप्ट इन योर दिस थिंग डैशबोर्ड, ताकि जो चेक करने आ रहा है कि वेदर यू हैव पेड द पार्किंग और नॉट, तो वो पार्किंग टिकट आपके डैशबोर्ड पे देखेगा एंड इट्स टोटली फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी सोलर पैनल पार्क इंस्टॉल कर रखा है, तो मींस इट्स वेरी गुड। सोलर एनर्जी से आप हर चीज़ को पावर कर रहे हो,
सोलर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द फ्यूचर गाइस. तो जो भी आने वाले इक्विपमेंट मार्केट में होने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली सोलर पावर्ड. और ऐसी छोटी छोटी पब्लिक रिक्वायरमेंट्स को अगर आप सोलर से कपल कर दोगे, सो इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली हैजल फ्री. मतलब कोई भी टेंशन नहीं होगा उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइड करने का. मतलब सोलर से चल रहा है गाइस, इट्स फ्री, फ्री एनर्जी. उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इट्स अप टू यू. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब. और यहाँ दुबई में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी. सो आई थॉट वाई नॉट शेयरिंग विथ यू गाइज कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, यहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रखा है. और लोग भी यहाँ पे इतने डिसिप्लिनड हैं कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. तो गाइज, ऐसे सोलर रिलेटेड और भी अगर प्रोजेक्ट्स आपको देखने, और भी वीडियोस देखने कि कैसे सोलर एनर्जी से चीज़ों को कपल किया जा सकता है एंड इट कैन बी यूज फॉर द बेटर ऑफ द सोसाइटी, सो स्टिक टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल. और अपकमिंग जो भी वीडियोस मेरे रहते हैं, इट्स ऑल टोटली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कैसे उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सेव आवर प्लैनेट. तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए. मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे. करंटली आई एम इन दुबई, सो आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू सस्टेनेबल एंड क्लीन यूज ऑफ एनर्जी बेस्ड इन दुबई इटसेल्फ. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस.